जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जतवार और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक जतवार इन्फॉर्म में। तो बहुत सारे भाइयों का ये डाउट था कि भैया ये बताइए कि हम आर्मी अग्निवीर के तहत GD ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा 10th तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो 10th में कितना परसेंट मांगा जाता है, ये बहुत सारे भाइयों का डाउट था। तो ये सारा डाउट मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि जो आपको अगर से आप आर्मी अग्निवीर GD का फॉर्म भरना चाहते हैं, आगे चल के फॉर्म आएंगे नवंबर में, तो अगर से आप फॉर्म भरेंगे तो आपको GD के लिए कितने परसेंट चाहिए 10th में, ये सारा कुछ बताऊँगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको GD ज्वाइन करने के लिए और क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है GD का, जिनको नहीं पता है तो वो ये वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आर्मी अग्निवीर GD अगर से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10th में कितने मार्क्स होना चाहिए। तो मैं पहली बात बता दूं दोस्तों कि अगर से आप GD ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके 10th में ओवरऑल 45% होना चाहिए, 45% आपके 10th में होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स होना चाहिए, मतलब ओवरऑल आपका 45% मांगा जाता है और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स तो मांगा ही जाता है। तो ये आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात कि इस बार आर्मी अग्निवीर GD का जो सिलेबस रहेगा उसमें कोई चेंजेस आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो मैं बता दूँ सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, सिलेबस सेम टू सेम रहेगा। GD का जो सिलेबस रहेगा उसमें मैथ, रीजनिंग और GK और GSE आएगा, जिसमें मैथ के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे, GK के 15 क्वेश्चन रहेंगे और GS के 15 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। और 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, तो आपके दोस्तों ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो बहुत सारे भाई को तो सिलेक्शन प्रोसेस पता होगा, लेकिन बहुत सारे भाइयों को सिलेक्शन प्रोसेस पता नहीं होगा, तो मैं उनको बता दूं कि आर्मी अग्निवीर GD ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है, और इस बार आपके नवंबर में फॉर्म निकलने के चांसेस है पूरे। आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है और रिटर्न एग्जाम देने के बाद आपकी एक मेरिट लगती है, मेरिट लगती है जिसमें दोस्तों जो भी एग्जाम पास कैंडिडेट होता है उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में क्या होता है, तो फिजिकल में आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें दोस्तों आपको दो ग्रुप में बंदे पकड़े जाते हैं। अगर से आप पहले ग्रुप में एक्सीलेंट रनिंग मारते हैं तो आपको 60 नंबर दिए जाते हैं, और दूसरे ग्रुप में रनिंग मारते हैं तो 48 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद आपके दोस्तों बीम हो जाते हैं, जो कि 10 बीम होते हैं, अगर से आप 10 बीम पूरे मारते हैं तो आपको 40 नंबर मिल जाते हैं। इस प्रकार आपका 100 का फिजिकल हो जाता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है, और फिर फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों और आपके कुछ डाउट थी कि जो है किस बुक से तैयारी करें, तो बुक के लिए भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया हूँ कि आप राम सिंह यादव की बुक आती है आर्मी अग्निवीर की, 2 बुक आती है, एक तो एक्सप्लेनेशन वाली जो कि नीली कलर की होती है, और एक प्रैक्टिस सेट वाली जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट होते हैं वो लाल कलर की होती है। तो ये दोनों बुक आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे, आप इजीली वहाँ से परचेस कर लेना। तो आपके मेनली डाउट क्लियर हो गए कि पहला जो है आपका जो आपका परसेंट 45% चाहिए 10th में ओवरऑल, और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स चाहिए। और इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 17.5 से 21 साल तक आपकी एज रहने वाली है, आपको ज़्यादा छूट एज में नहीं मिलने वाली है। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर से आपके ऑनलाइन फॉर्म निकाले जाते हैं और आप अगर से 17.5 साल के नहीं भी हुए हैं, आप 17 साल 2 महीने के हुए हैं, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे थे कि मैं तो 17.5 का हुआ ही नहीं हूँ, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊँगा, तो जी हाँ, अगर से आप 17 साल 2 महीने के भी हुए तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर से फॉर्म अप्लाई के अकॉर्डिंग अगर से आप 20 साल 6 मंथ से ज़्यादा हो जाते हैं तो अगर से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा आर्मी अग्निवीर के जो है डेट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अभी तो डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट आएगी तो वहाँ पर स्पष्टीकरण से बता दिया जाएगा। अभी हम कितना भी बोले कि कब से एज काउंट होगी तो ये सब व्यर्थ बातें हैं, जब आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी जो है अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये एज कहाँ से काउंट होगी। अभी तो सब ये यूट्यूब पर व्यर्थ बातें चल रही कि एज यहाँ से काउंट होंगी, यहाँ से काउंट होंगी, लेकिन अभी जो है एज कहाँ से काउंट होंगी ये कोई पता नहीं चला है। तो जब नोटिस आएगा तभी जो है आपको जो है स्पष्टीकरण हो जाएगा, लेकिन आप जो है अभी तैयारी करते रहिए। तो ये वीडियो के माध्यम से चंद आपके डाउट थे वो क्लियर करना चाह रहा था मैं, तो आशा है सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।